आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। ताजगंज गोबर चौकी सिद्धार्थनगर में नाले की सफाई के दौरान बम नुमा चीज मिलने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंच गई, लोग दहशत में आ गए। दहशत में आए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा। ये बम नुमा वस्तु है जिसे देखकर हड़कंप मच गया। हड़कंप ऐसा कि लोग लॉकडाउन को ही भूल गए, अपने घरों से बाहर निकल आए। सोशल डिस्टेंस को भी ताक पर रख दिया गया। सभी देखने लगे कि आखिर क्या है जो नाले में मिला है, जो बम जैसा दिखाई दे रहा है। तहां ताजगंज गोबर चौकी दिनेश नगर में जिस समय नगर निगम के सफाई कर्मचारी नाले को साफ कर रहे थे, उसी दौरान 3 बम नुमा वस्तु मिली। मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। लोग डरे हुए थे। कर्मचारी सफाई कर रहे थे, यहां फामड़े से उन्होंने 3 बम निकाले थे। अब बम था ये क्या था, इस तरीके का था, कम से कम 1.5-2 किलो का वजन था उसमें। वो निकाल के बाहर निकल रख दिए उन्होंने। डर गए होंगे आसपास, ये सब बहुत सी जनता थी यहाँ पे, कम से 50-100 आदमी थे, सब डर गए थे, अलग अलग हट गए थे। 3 थे वो? हाँ 3 थे साहब। थाना ताजगंज पुलिस मौके पर थी। तीनों बम नुमा वस्तुओं को अपने कब्जे में ले लिया। बम डिस्पोजल टीम को भी सूचित कर दिया गया। जांच की जा रही है कि आखिर ये आए कहां से और क्या है। उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, उसमें एक लोहे का एक सामान मिला है जिसको हम जांच करा रहे हैं। ये क्या है जो अफवाह ज़्यादा उड़ाई गई है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। बिल्कुल जाँच कराई जाएगी। ये पहला मौका नहीं है जब गोबर चौकी क्षेत्र में कोई बम नुमा वस्तु मिली हो। पहले भी कई बार ऐसी वस्तुएं मिल चुकी हैं। इन इलाकों में तमाम बड़े कबाड़ के कारोबारी काम करते हैं। नगर निगम के सफाई कर्मचारी जिस समय नाले की सफाई कर रहे थे, उसी दौरान इसी नाले में, हम आपको बताते हैं कि ये वो नाला है जिसमें ये 3 बम नुमा चीज़ें दिखाई दी और जो बम दिखाई दे रही थी, ऐसा लगता है ये बम भी हैं। जाँच पड़ताल के लिए भेज दिया गया है। आखिर ये है क्या? ऐसा नहीं है कि इस इलाके के अंदर बम जैसी चीज़ें मिलने का ये कोई पहला मामला हो, क्योंकि इस इलाके में तमाम सारे बड़े कबाड़ कारोबारी निवास करते हैं, तमाम सारा कबाड़ का सामान नीलाम में लेकर आ सकते हैं। हो सकता है ये सेना का कोई बम हो जो कबाड़ में आया हो और बाद में उसको नाले में फेंक दिया गया हो। गनीमत ये रही कि विस्फोट नहीं हुआ, अन्यथा बड़ा नुकसान हो सकता था। जांच पड़ताल की जा रही है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और सेना भी अपने स्तर से जांच पड़ताल में जुट गई है, जिससे हकीकत सामने आ सके। अपने साथी अगले दुबे के साथ राकेश कन्नौजिया, सी न्यूज़ आगरा।